हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टू ऑफ वैंड्स, ओके, फाइव ऑफ वैंड्स, सॉरी। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आपको हो सकता है कि अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में या आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ जानकारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप में एक थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है यहाँ पर, या आप वेट कर रहे हो कि अभी तक, मतलब हो सकता है कि काफ़ी सारा टाइम हो गया कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कपालभाति या अनुलोम विलोम सब कुछ, जितना भी आपने अभी तक में स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर जो भी गाइडेंस ली है ना, वो वैसा वैसा आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी स्ट्रेस का लेवल आपकी लाइफ में इस तरीके का चल रहा है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो डेवलप हो ही नहीं पा रही, वो एनर्जी जो है ना वो अवेकन हो ही नहीं पा रही, चक्राश जो है ना वो बैलेंस पर आ नहीं रहे। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? और कहीं ना कहीं एक मन में ये भी परेशानी हो रही है, या ये भी मतलब मन में बुरा फील होता है आपको कि आप इन सब चीज़ों से ध्यान हटाकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें सक्सेस क्यों नहीं मिली है, उसमें गति क्यों नहीं आ रही है ना? है कि जैसे ही आपकी एनर्जी थोड़ी आगे बढ़ने लगती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है ना, वैसे ही आपके आसपास का वातावरण जो गड़बड़ा जाता है ना, जैसे घर परिवार में हो गया कोई माहौल क्रिएट हो जाता है, या वर्क प्लेस पर कोई माहौल क्रिएट हो जाता है, या फिर आसपास के लोगों में, तो ऐसी चीज़ों का आप पर इफेक्ट पड़ने लगता है। ये सभी पर पड़ता है गाइस, और उन चीज़ों का स्ट्रेस जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा ले लेता है ना, तो वो जितनी भी मेहनत करे अपने एनर्जी को डेवलप करने की, वो फिर से एनर्जी क्या होती है, डाउन में चली जाती है, और कहीं ना कहीं आप थक भी जाते हो कि अरे मैं कितनी कोशिश करूँ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने की, है ना? देखो मैं एक बात कहूँ आपको कि ज़बरदस्ती की कोशिशें जो है ना इस मामले में बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको पहले कह दूं कि थोड़ी सी जानकारी लेकर कहीं से भी कि भाई मुझे अपने चक्रास को बैलेंस में लेकर आना, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, है ना? अगर आपको मन में ये चीज़ आती है कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस है, अगर मैं धरती पर आया हूँ तो कुछ ना कुछ विशेष काम करने के लिए आया हूँ, मेरे मेरा कोई टारगेट है, मेरा कोई मकसद है। अगर आपके मन में कोई खोज चल रही है किसी चीज़ को लेकर के, मैं कुछ खोज रहा हूँ, खोज रहा हूँ, खोज रहा हूँ, ये चीज़ चल रही है और एक बेचैनी सी रहती है, चाहे अगर आपको सक्सेस भी मिल गया, हो सकता है आपके पास काम भी बहुत अच्छा है ना, हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ की कोई खुशी भी मिल गई जिसका आप वेट कर रहे हो, वो भी मिल गई, लेकिन फिर भी एक अधूरापन आपको लगना कि कुछ खालीपन है, मुझे जो एक खोज जिसकी है वो मुझे मिल नहीं रही है, या मैं कुछ चीज़ तो डिस्कवर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये चीज़ें, ये सिम्टम जब आप में आते हैं, और इसके अलावा भी आपकी लाइफ थोड़ी संघर्ष में ज़्यादा ही रहती है और लोगों के बनिस्पत, तो ये समझ लेना कि आपकी लाइफ थोड़ी अलग है और लोगों से। और कहीं ना कहीं मैं बता दूँ कि जो भी बंदे, जो भी इंसान जो होता है ना, वो जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट ही होती है गाइस, ठीक। इसके अलावा उनके मतलब थोड़ा जीना दुश्वार ही होता है, संघर्ष ज़्यादा ही होता है उनकी लाइफ में, चीज़ों को संभालना मुश्किल होता है। इवन मैं ये कह दूँ कि आपको लोग सही बहुत कम समझेंगे, तो ये भी मुनासिब है कि हाँ आपको भी पता होगा, हाँ मैम ये तो बात है कि लोगों को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है ना? वो समझेंगे कैसे गाइस? इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप अलग पोर्टल में हो, है ना? आप अलग एनर्जी में हो, वो अलग एनर्जी में है, आप उनको समझ सकते हो, वो आपको समझे, ये पॉसिबल कम है ना जी? अब जैसे मैं एक बात बताऊं कि जैसे मैंने कहा कई बार कि
कि एंजल्स नंबर जो होते हैं ना वो हर किसी इंसान को नजर नहीं आते, बहुत कम लोगों को नजर आते हैं। अब उन चुनिंदा लोगों को क्यों नजर आते हैं, है ना, क्योंकि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, या अगर स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कुछ अपनी लाइफ में कुछ काम ऐसे कर रहे हैं, अच्छे काम ऐसे कर रहे हैं, या मन के साफ है, या और लोगों को अपनी तरफ से दुखी नहीं करते, या कुछ ना कुछ काम मतलब यूनिवर्स को प्रसन्न करने वाला वो करते ही करते हैं। तो यूनिवर्स कोई ना कोई जरिया बनाकर उन तक हेल्प पहुंचाता है, उनकी मदद करते हैं, उनको तसल्ली देते हैं। ऐसे लोगों की हीलिंग जो होती है ना वो मालिक के द्वारा की जाती है गाइस। जब कभी भी ऐसे इंसान होते हैं ना वो अकेलापन बहुत झेलते हैं, आपने अकेलापन बहुत झेला होगा, चाहे आपके घर परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे, ठीक है ना, सपोर्ट करने वाले भी होंगे, लेकिन एक कमी का कल ना आपको, फिर भी अगर ये चीजें होती है, ठीक है, साथ में एंजल्स नंबर का आपको दिखना ये होता है, और मन में आता है मैं किसी चीज की खोज कर रहा हूँ, खोज कर रही हूँ, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। प्लस अगर आपको नंबर 777 ये नजर आता है तो डेफिनेटली है, और अगर आपका बर्थ चार्ट नंबर अगर 7 है तो ये भी साइन है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपका कोई मकसद है और उसे पूरा करने के लिए आप धरती पर आए हो, और वो करके ही रहोगे, और उसके लिए बाधाएं भी बहुत आएंगी आपको, अभी तक में बहुत आई है, आपको पता है, आपका दिल जानता है, मालिक जानता है किस तरीके से पार करके आए होंगे, है ना, क्या क्या झेले होंगे आपने लाइफ में, अपने क्या क्या परिस्थितियों का सामना किया होगा, कितने कलह कलेश झेले होंगे आपने, है ना, कितनी तकलीफों का सामना किया होगा, कितने कहते हैं ना पैसों की तंगी देखी होगी आपने, या कितनी ही इच्छाओं का दमन आपने किया है। एक बात कहूँ, अभी तक की लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, हाँ, तो एक और सिम्टम्स बताती हूँ जो आपसे कनेक्ट करेगा, कि अभी तक मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ा है, आपके सामने ऑप्शंस आए होंगे हर एक समय बाद में, हर एक मोड़ पर, कि भाई आप अपनी खुशी को महत्व ज़्यादा दोगे या अपने परिवारजन की या किसी और इंसान की, तो आपको चूज करना पड़ा, मैं किसी और की, मुझे अपनी खुशी से उतना महत्व नहीं है। ये त्याग और समर्पण जो है ना, ये डेस्टिनी देखती है कि ये बंदा वाकई में वो जो मैंने मकसद सोचा है इनके लिए ये करने को तैयार है, ये निपुण है या नहीं है उसके लिए, तो वो एक समय समय के बाद में आपकी टेस्टिंग होती है गाइस। पहले छोटी छोटे मुद्दे को लेकर, है ना, फिर बड़ा मुद्दे को लेकर, फिर बड़े मुद्दे को लेकर, और कई बार सवाल भी उठता है कि मैं क्या हमेशा त्याग करने के लिए आया हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ है नहीं, मैंने ये छोटी छोटी चीज़ों को त्याग करना क्या स्टार्ट किया, मुझे तो बहुत बड़े बड़े मसलों पर त्याग करना पड़ रहा है। ये समर्पण देखा जाता है गाइस, ये एक एक आपकी टेस्टिंग होती है, परीक्षा होती है गाइस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मतलब आपको त्याग ही करना पड़ेगा, समर्पण ही करना पड़ेगा ना। यहाँ पर आपका किसी सिचुएशन में नेक दिल कितना है, या निस्वार्थ आप कितना सोचते हो लोगों के बारे में, ये जानना जाना जाता है ना। दूसरा मैं आपके लिए ये कहूंगी कि आपको भी अपनी लाइफ में वो सारी खुशियां मिलेगी जो आप चाहते हो और आप डिजर्व करते हो। इवन मैं ये कह दूँ कि जब कभी भी आप औरों के भले के लिए काम करते हो ना, औरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हो ना, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम मालिक करते हैं, है ना। आप किसी इंसान से उम्मीद नहीं कर सकते, यहाँ पर मालिक आपके लिए मददगार होंगे, मालिक आपको खुशी देंगे, है ना। तो आपकी भी कोई इच्छाएं हैं, कोई सपने हैं, तो वो भी पूरे होंगे, क्योंकि आपके पूरे होंगे, आपको खुशी मिलेगी, आपको हीलिंग मिलेगी ना, तब आप लोगों को हील कर पाओगे। अब हील करने का मतलब मैंने कई बार कहा है केवल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है, है ना, किसी दुखी इंसान को चुप करवाना, उनको तसल्ली दिलवाना कि ये परेशानी का समय ये भी चला जाएगा, या कुछ अच्छे काम करना, पशु पक्षियों का ख्याल रखना, ठीक है, वेटरनरी का हो सकता है काम आप करते हो, या फिर हो सकता है कि आपको चैरिटी करना पसंद है, या बूढ़े बुजुर्ग लोगों की देखरेख करना, इवन घर परिवार में भी, है ना, हाँ, तो आप एक बार ध्यान रखते हो उनका, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना गाइस, इनको समझो। यहाँ पर क्या होता है पता है, लोग इन्हीं चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और आप इन चीज़ों को इग्नोर कर नहीं करके इन पर ध्यान रखने की कोशिश करते हो ना, तो यही तो सही रास्ता है अपने आप को जानने का, अपने आप की एनर्जी को पहचानने का। द स्टार, देखो एक बात बताऊं, चाहे कितने भी आपके मार्ग में बाधाएं आए, है ना, कितने भी रोड़े आए, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस आएंगे, बैलेंस में आएंगे ना,
वैसे वैसे जैसे आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ये बैलेंस में आ जाएगी ना, तब देखना आप अपनी लाइफ में क्या धमाल मचाते हो। सच में किसी के रोके से आप रुकने वाले नहीं हो, आप अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ हासिल करोगे। अब ग्रोथ हासिल करने के बाद में भी आप डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा होंगे, आप हर किसी इंसान को इक्वल समझेंगे, आप में मतलब सभी धर्मों के प्रति भी सद्भाव रहेगा, है ना, ये समझना। देखो कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन जो होगा ना, वो कभी भी किसी भी धर्म को कम दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। उनकी नज़रों में क्या होंगे कि सभी धर्म एक है, मालिक एक ही है ना। मतलब मुझे सबकी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, मैं तो सबका प्यारा बच्चा हूँ, है ना, ये चीज़ दिमाग में होती है और ये आपके रहेगी गाइस। और सबके प्रति अच्छा भाव, चाहे कितना भी पैसा लाइफ में आ जाए, आपकी लाइफ में बहुत पैसा मिलना लिखा हुआ है आपको, हाँ कितना भी पैसा मिल जाए, कितनी भी पहचान आपकी बन जाए, लेकिन फिर भी लोगों के साथ में हमदर्द वाला वो वाला आपका व्यवहार रहेगा गाइस। देखो आपके साथ एक चीज होती होगी, जहाँ कहीं भी आप झगड़ा देखते हो ना, आपके दिमाग में तो फटाफट जाकर मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊँ या उस झगड़े को बढ़ने से रोक दूँ, ये आपके घर परिवार में हो, आसपास में हो या कहीं पर भी, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश रहती है कि मैं झगड़े को बढ़ना ना दूँ, उसे जितना हो सके ना जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाने की कोशिश करो, हो भी जाता है आपसे। और कहीं ना कहीं एक बात कहूँ, ये तो स्टार का कार्ड क्या कहता है कि कभी कभी लोग आपकी बात मानते हैं, आपको वैल्यू भी देते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं गाइस। मतलब कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो वाकई में आपको बहुत वैल्यू देते हैं, आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, और ये लोग हैं कम, है ना, कम है, लेकिन फिर भी एक कहता ना कि आप निश्चिंत होकर ये इस बात पर ट्रस्ट कर सकते हो कि ये आपकी हाँ में हाँ झूठ नहीं भर रहे हैं, ये आप में किसी चीज़ की क्वालिटी देख रहे हैं, कोई समझ आपकी देख रहे हैं, उसकी वजह से आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, है ना जी। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मून, आपकी लाइफ में हिडन चीजें बहुत हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी, देखो आपकी एनर्जी को डेवलप करवाने के लिए कई बार ऐसा हुआ है कि आपके आसपास में ही, आपके इर्द गिर्द में ही कुछ लोगों को एक जरिया बनाया गया गाइस, कि वो आपकी एनर्जी को किक करवाने में, आपकी एनर्जी को आगे बढ़वाने में, डेवलप करवाने में, आपके चक्रास को बैलेंस करवाने में मदद करें। देखो हो सकता है कि जितने इमोशनल आप हो, चाहे आपके घर परिवार में भी हो, आपके करीबी भी हो कोई, है ना, जितने इमोशनल आप हो उतने इमोशनल हो सकते हैं वो नहीं है, चाहे आप दिल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो वो नहीं ले पाते होंगे, ठीक है। जैसा मैंने कहा ना गाइस कि इस बात को समझना, इस बात पर उन लोगों पर ब्लेम मत करना, क्योंकि आप अलग कंडीशन में हो, आप अलग पोर्टल में हो, आप अलग एनर्जी में हो, वो इस एनर्जी में नहीं है, वो आपकी बात को नहीं समझेंगे, वो एक जरिया बन रहे हैं आपकी एनर्जी को विकसित करवाने में, है ना। हो सकता है उनका बुरा व्यवहार आपको देखने को मिल रहा होगा, हो सकता है वो आपकी बात नहीं सुन रहे होंगे, हो सकता है आपसे झूठ बोल रहे होंगे, या आप अगर प्यार से बात कर रहे हो तो आपको इस तरीके से जवाब देना कि आपको बर्दाश्त ना हो। मतलब ये कहीं ना कहीं पता है चुभाने वाली बातें, है ना, चाहे ये घर परिवार से हो, आसपास से हो, कहीं से भी हो, इवन दोस्तों रिश्तेदारों से भी हो ना, दूर के रिश्तेदारों से भी, तब भी आपको सुननी होगी, हो सकता है अपमानजनक शब्द भी आपको बहुत से सुनने होंगे, है ना। तो ये चीज़ तो घटनाएं आपकी लाइफ में घटी है गाइस। और ये इसके अलावा भी मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आपने बहुत फेस किए हैं, तीन टावर मोमेंट आपने फेस किए हैं गाइस, और दो बड़े डिफिकल्ट थे आपकी लाइफ के, समझ रहे हो ना, तीन टावर मोमेंट का लग रहा है गाइस। अब ये छोटी घटना नहीं है, मतलब एक आपकी एनर्जी को डेवलप कराने में लोगों का, जो लोग बुरे हैं, मतलब आपको अभी लग रहा है बुरे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो कोई भी इनका इंटेंशन कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, है ना, लेकिन इन्हीं की इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपकी पॉजिटिव एनर्जी विकसित हो, तो अभी ये समय निकल जाएगा गाइस। अभी इनके बातों पर आपको रिप्लाई नहीं देना, नो रिएक्शन, है ना। बस क्या करना है, अपने पाथ पर आगे बढ़ना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि जब कभी भी कोई बंदा स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, कोई अच्छा बड़ा ऊंचा मकसद लेकर आता है, यहाँ पर आपका मकसद बड़ा ऊंचा है, आपने लोगों की भलाई के लिए बहुत बड़े बड़े काम सोच रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों के इलाज के लिए, दवाइयों के वितरण के लिए, या कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहते हो कि भाई बीमार लोग हो तो उनको थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, है ना,
ये चीज भी हो सकती है, पशु पक्षियों के लिए आप कुछ करना चाहते हो या बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हो, है ना। मतलब कहीं ना कहीं एक इंसानियत का भाव आप अपनी लाइफ में सबसे ऊपर मानते हो, सबसे टॉप पर, कि मुझे कितनी भी सक्सेस मिले लेकिन उस सक्सेस को पाने के पीछे का मेरा रीजन है ना वो ये है कि मुझे लोगों की भलाई करनी है, मुझे अपने काम में लगना है, मुझे मालिक को प्रसन्न करना है। दुनिया प्रसन्न हो ना हो, गुस्सा रहे तो रहे, मुझे मालिक को प्रसन्न करना है ना। क्योंकि इस चीज में कह रही हूँ ना गाइस कि आपकी मैच्योरिटी का लेवल बड़ा है, धीरे 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 करके समझ बड़ी विकसित हुई है आप में, पहले इतनी समझ नहीं थी, बुरा नहीं मानना, लेकिन ये सच्ची बात है गाइस। और ये बहुत से लोगों के साथ होता है गाइस कि जब तक चोट ना मिले ना वो लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ते, उनकी एनर्जी विकसित नहीं होती या उनमें क्या क्वालिटी है वो जान ही नहीं पाते। आपको हिडन, आपको खुद को लेकर है, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रहस्य आप खुद हो अपनी लाइफ का, और ये इस उलझन में आप रहते भी हो कि मेरी लाइफ कुछ पहले जैसी रहती है, मैं खुद को नहीं समझ पाता, मैं खुद को नहीं समझ पाती, मैं हूँ कौन, ये वर्ड आपके मन में गूंजता है, मैं हूँ कौन, है ना। मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ ना कुछ बेचैनी से मुझे फील होता है कि मेरे अंदर कोई एनर्जी है, मुझे उसको विकसित करना है ना, कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मुझे गाइड कर दे, है ना। इसके अलावा एंजल्स नंबर का अभी जैसे ही आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है ना, आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं। अब आपको ही क्यों दिखने लगे, आपकी फैमिली में और लोग होंगे उनको नहीं दिख रहे, है ना। सबके साथ में बैठ रहे हो, सबके साथ बाहर जाके आ रहे हो, लेकिन आप ही को क्यों दिखना और लोगों को क्यों नहीं दिखना, क्योंकि एंजल से आप कनेक्टेड हो रहे हो, है ना, आप कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हो, है ना, और लोग नहीं है। जैसा कहा ना मैंने, आपकी एनर्जी अलग है मेरे शेर, इस बात को समझो। तो तकलीफ तो बहुत तो आती है और निकलेगी आपकी लाइफ से, और उन परिस्थितियों से आपको निकाला भी जाएगा, ठीक है। सपोर्ट मिलेगा एंजल्स के साइन के द्वारा, नंबर के द्वारा हो सकता है, मिरर नंबर हो सकता है, ठीक है, ये फेदर के माध्यम से हो सकता है, सपनों के माध्यम से, बड़े डरावने खौफनाक सपने आपको आएंगे, मैं बताऊँ आपको। अच्छे भी आते हैं, अच्छे आते हैं कम, बुरे सपने, भयंकर से भयंकर, इवन सबसे ज्यादा मैं बताऊं आपको, आपको आसमान के सपने जो है ना ये बहुत ज्यादा आएंगे, है ना। घोर घनघोर काले बादल या बड़ी विचित्र अनुभव, या हो सकता है कि बड़े बुरे एक्सपीरियंस भी आपने किए होंगे अपनी लाइफ में, कुछ जो हम लोगों को नहीं समझा सकते गाइस, कि मैंने कुछ ऐसा महसूस किया, कुछ ऐसा खुद सुना या कुछ फील किया, है ना। तो ये चीज हम लोगों को नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये आपने अनुभव किया है कैसे आप जानते हो। देखो ये बात मैंने क्यों कही, अगर संसार में सकारात्मकता है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी भी है ना। यिन यंग की एनर्जी कभी देखी है आपने, यिन यंग का चित्र कभी देखा है, उसमें एक साइड होता है ब्लैक, एक साइड होता है व्हाइट, ठीक है। हमारी आंखों को देखो, हमारी आंखों में ब्लैक और व्हाइट दोनों ही है ना। इसका मतलब क्या है कि लाइफ में, संसार में सकारात्मकता भी है और नकारात्मकता भी है। अगर हम सकारात्मकता को महसूस कर पा रहे हैं तो लाइफ में नकारात्मकता भी होती है। जैसा मैं कह रही हूँ कि आपने कुछ बुरे एक्सपीरियंस किए हैं जिन पर हो सकता है कोई विश्वास ना करे, है ना, बट मैं एक बात कहूँगी कि ऐसी चीज़ों को टोटल इग्नोर करना, इनको हावी नहीं होने देना है। कई बार क्या होता है कि पूजा करने बैठो और शरीर का भारी होना, तब मालिक से प्रे करके बैठना गाइस, कि मालिक मैं जब भी प्रे करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करता हूँ आपकी, या पूजा पाठ करता हूँ, या आपका नाम लेता हूँ, स्मरण करूँ ना, हर तरीके की नकारात्मक एनर्जी को मुझसे दूर रखना, मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट करना, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके फिर पूजा पाठ किया करो या मेडिटेशन किया करो, है ना। और मेडिटेशन का भी मैंने क्या कहा है, थोड़ा थोड़ा, अगर स्टार्टिंग कर रहे हो आप तो थोड़ा थोड़ा, 10 मिनट का, फिर 15 मिनट का, है ना। और देखो करते करते क्या होगा पता है, जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस में आने लगेंगे ना, और मेडिटेशन आप मतलब अच्छे से करना स्टार्ट कर दोगे ना, तब आप जैसे खड़े भी हो, है ना, भगवान का हो गया, अल्लाह का हो गया, किन्हीं का भी स्मरण आप कर रहे होगे ना, तब देखना आप भले अगर खड़े भी हो ना, तब भी आपकी एनर्जी जो है ना, वो आपका मेडिटेशन जो है ना, वो ध्यान जो है ना, वो लग जाएगा। मतलब हमें कोशिश बाद में करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इवन जैसा मैंने एक पहले भी बताया है कि हम जब सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना, हम नींद में भी नहीं होते, हमें पता है हम जाग रहे हैं और फिर भी अपना, हमारा ध्यान लग जाना,
तो ये चीजें भी होती है गाइस। एक बार कहते ना, धीरे धीरे करके मेडिटेशन करने की कोशिश करो और शांत रहने की कोशिश करना गाइस। अगर आपको लगता है मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, तो जैसी भी परिस्थितियां हैं लाइफ की इर्द गिर्द की, वहां पर ये समझ लेना कि ये उल्टी मेरी सपोर्ट कर रही है मेरी एनर्जी को विकसित करवाने के लिए, ठीक है। तो वहां पर गुस्से को शांत कर देना और बैलेंस में आना, अपनी यिन यांग एनर्जी को बैलेंस में लेकर आना, अपनी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस में लेकर आना। अब ये क्या है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी? हमारे अंदर शिव शक्ति की एनर्जी होती है ना। तो प्यार और ममत्व भी हम में होना चाहिए, समर्पण और त्याग का भाव जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो भी हम में होना चाहिए, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर भी होना चाहिए किसी भी काम को लेकर, है ना। जहाँ पर कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगे, है ना। जहाँ गुस्से की ज़रूरत होती है वहाँ गुस्सा करना, जहाँ पर गुस्से की ज़रूरत नहीं होती वहाँ नहीं करना। शांत हो जाना एक ही बार में, है ना। गुस्से में भी अपना विवेक और बुद्धि को काम में लेना, जो इम्पॉसिबल है, लेकिन आप मेडिटेशन करके कहीं हद तक इस पर जीत हासिल कर सकते हो, है ना। अपने इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकते हो गाइस। तो ये है स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, है ना जी। और देखें, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखो द स्टार के पास में आया नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि आपको सक्सेस इतनी दिलाई जाएगी, इतनी ऊंचाइयों पर उठाया जाएगा गाइस, कि अभी यहाँ पर हो आप फाइव ऑफ पेंटिकल्स में, ठीक है। और पास में आपके घर परिवार का भी कोई मसला चल रहा है जहाँ झगड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डेस्टिनी ने आपके लिए क्या सोचा है कि ये इर्द गिर्द की परिस्थिति तो चलती चलती रहेगी। धोखे हैं, छल है लाइफ के, या लोग बुरा व्यवहार करते हैं, अपमान करते हैं, वो तो चलते रहेंगे। आप इस पर फोकस करो, देखो आपकी डेस्टिनी क्या है। आपके इर्द गिर्द का वातावरण बुरा है, समझो इस बात को। इंतजार में बैठे हो, परेशानियां भोग रहे हो, दुखी हो मन में कि कुछ ना कुछ हिडन चलता रहता है लाइफ में, पहेलियां चलती रहती है। एक सुलझाने की कोशिश करो, दूसरी उठ खड़ी होती है। डेस्टिनी क्या करिए कि अगर इन चीजों को भूल जाओगे और इस पर फोकस कर लोगे ना, देखो ग्रोथ भी मिल जाएगी, फाइनेंशियल सक्सेस भी मिल जाएगी और अपने नाम कमाओगे गाइस, है ना। और जो आप सोच रखा है आपने, बड़े से बड़ा अच्छा काम, है ना, मालिक को प्रसन्न करने के लिए, अपनों को प्रसन्न करने के लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, मालिक ने जो आपको धरती पर किसी काम के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको निभाने के लिए, बहुत अच्छे से करोगे, बहुत अच्छे से। चिंता ही मत करना, जैसी भी सिचुएशन है ना उसमें स्ट्रांग बनने की कोशिश करो गाइस। उससे बेहतर उपाय कुछ नहीं है, क्योंकि मालिक को अपने साहसी बच्चा जो है ना वो बहुत पसंद आता है। क्योंकि हम जब साहस रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा नजर आ रहे होंगे अभी इन दिनों में आपको, 777, ठीक है, 555, इवन 1010 और 222 और 333, ये आते तो सारे हैं। इवन मिरर नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा 4774 और 6996, हाँ, या फिर 369 या 963, ये भी हो सकता है। दिखेंगे तो आपको खूब सारे गज, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो अभी पहले मैंने बताया ना, ये एंजल्स नंबर जो है ना, ये अभी आपकी लाइफ को कहता है ना कि कंट्रोल किए हुए आपको गाइडेंस दे रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वे में। ये जो कुछ भी हिडन आपको लेकर है ना, आपकी एनर्जी को लेकर, वो धीरे 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 आपके सामने आ रहा है। आप कहीं ना कहीं खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब पाथ को चुनना गाइस, समझ रहे हो बात को, रास्ते को चुनना। मतलब अभी हो सकता है कि आपको सक्सेस नहीं मिली है, जितना मुझे समझ में आता है इस रीडिंग के द्वारा, कि आपको सक्सेस नहीं मिली है कोई काम को लेकर, हो सकता है या फ्यूचर के लिए कुछ सेफ्टी पॉइंट नहीं हुआ है आपके, है ना, सिक्योरिटी नहीं मिली है, या इच्छाएं भी आपकी हो सकता है कुछ अधूरी रही है। मैं यही चल रहा है, इंतजार इंतजार इंतजार, चाहे फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो या पर्सनल लाइफ के कोई खुशी को लेकर हो, वो पूरी नहीं हो पाती। और लोगों के देखो कितनी आसानी से हो जाते, क्योंकि और लोग अलग लोग हैं, आप अलग हो, है ना। आपको थोड़ी मेहनत करवाई जाएगी गाइस, लेकिन साथ में आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी, है ना। ये एंजल्स नंबर जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, कहीं ना कहीं आपको इशारा देते, एक संकेत देता है कि इस और राह पर आगे बढ़ोगे ना तो आपको सक्सेस मिलेगी। देखो कभी क्या होता पता है, दो रास्ते होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें इस रास्ते पर चलना है और हम इस रास्ते पर चलते हैं,
और कहीं आगे बढ़ने के बाद में, कहीं प्रयास करने के बाद में भी सफलता नहीं मिलती तो दुखी होते हैं कि क्या लिखा है मालिक ने किस्मत में, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है ना। जबकि आपसे कम मेहनत करने वाले लोगों को सक्सेस मिल जाती है, आपसे छोटे एज के लोगों को सक्सेस मिल गई, और आप अभी भी अपने आप को पिछड़ा हुआ सा फील कर रहे हो, एक मनोबल आपका टूटता है ना वैसा आप फील कर रहे हो। पर आपने रास्ता गलत चुना है, डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और सोचा है जो उससे तो कहीं बेहतर होगा। उससे तो कहीं ज्यादा आपको रेस्पेक्ट दिलाएगा, उससे तो कहीं ज्यादा आपको वैल्यू देगा, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगा। क्यों देगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम जो है ना, जो दूसरा है, दूसरा रास्ता है, वो आपके सक्सेस का द्वार खोलता है, वो आपके नेम फेम और रेस्पेक्ट का द्वार खोलता है, आपके उस काम को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है ना ये रास्ता खोलता है, यही रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचाएगा गाइस, है ना। देखो कभी कभी मैसेज इनडायरेक्ट वे में आते हैं कुछ बातें, तो मुझे वैसे ही बतानी पड़ती है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल है ना वो इस बात को बहुत भली भांति समझ सकते हैं। क्योंकि ये डेस्टिनी जो होते हैं ना, वो ऐसे बच्चों को ना बड़ा अच्छे से तैयार करते हैं गाइस। आपका इंट्यूशन का लेवल बहुत अच्छा होगा, आपको कुछ चीज़ें होने से पहले विजन आ जाता है, सपना आ जाता है, या फील हो जाता है, या घबराहट होने लगती है। जैसे कोई बुरी चीज़ होने वाली होती है ना, तो आपको घबराहट होने लगती है, आपका दिल बैठे बैठे डरने लगता है, या बैठे बैठे बेवजह की बात, कोई बात ही नहीं है टेंशन वाली, और आप रोना स्टार्ट कर देते हो। और आपसे कोई पूछता कि क्या हुआ, कि मुझे नहीं पता क्या हुआ लेकिन बुरा फील हो रहा है किसी बात को लेकर, वो क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको आभास हो जाता है। या कुछ अच्छा भी होने वाला होता है ना, तब भी आपको आभास हो जाता है, तब भी आपको विजन आते हैं, सपने आते हैं। लेकिन आपके साथ एक बड़ी बात, विचित्र बात ये भी है जो बहुत से लोगों के साथ होती है, कि आपके इंट्यूशन को आप समझ पाते हो कि मुझे ये इंट्यूशन हो रही है, मैं और लोगों को नहीं समझा सकता है ना, या नहीं समझा सकती, और लोग मेरी इस बात पर हंसेंगे, और इंट्यूशन होती भी है ना, तब आप कह नहीं पाते, नहीं कह पाते, आपकी हालत ऐसी इस तरीके की होती है। और क्या पता है, दूसरे इंसान के बारे में इंट्यूशन हो, उनको कहें किसी चीज़ को काम ना करने के लिए, या किसी काम को करने के लिए, पता नहीं वो करे ना करे, या आपको किस हिसाब से, आपकी बात को किस हिसाब से समझे, तो ये दुविधाएं भी आपकी लाइफ में रहती है गाइस। ये टू ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है ना, एक दुविधाओं के बारे में भी बात करता है, इंतजार के बारे में भी बात करता है, एक खुद को लेकर कन्फ्यूजन के बारे में भी बात करता है। तो आप मेडिटेशन किया करो, चक्रास को बैलेंस में लेकर आओ, आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ यही है गाइस, है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि चक्रास मेरे बैलेंस में होने लगे हैं? अपने आप जो चक्रा आपका बैलेंस में आने वाला होगा, या जिस चक्रा पर आपकी एनर्जी होगी ना, वहाँ वो उस चक्रा से संबंधित कलर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, या आप खुद उस कलर की ओर आकर्षित हो जाओगे। जैसे मान लो आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और पहला ही चक्र आपका एक्टिव होने लगा है, या फिर उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, या उसी पर आपकी एनर्जी है ना, तो आपका आपका ध्यान केवल रेड कलर की चीज़ों पर जाएगा। हर जगह आपको रेड रेड, 10 कलर होंगे लेकिन आपको रेड कलर नजर आएगा, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है, और तब आपको गुस्सा बहुत आएगा, दुविधा बहुत रहेगी, बेवजह की चिंताएं बहुत रहेगी, मतलब छोटी छोटी बातों पर, और खुद को भी महसूस करना, खुद खुद भी महसूस करना कि भाई बेवजह की बातों पर गुस्सा आ रहा है ना। फिर जैसे एनर्जी मूलाधार चक्र जो होता है ना, ये आपका एक्टिव हो जाता है, सेकंड चक्र पर जाती है एनर्जी, तो आपका गुस्सा वैसे ही शांत होने लग जाता है, आपके खाने पीने की आदतों में सुधार होने लगता है गाइस, चेंज आ जाता है बहुत। पहले अगर बहुत तीखा खाना पसंद होता है ना, तो बाद में आपका थोड़ा खाने पीने के मामलों में आदत का बदलना, थोड़ा कम नमक मिर्ची का खाना खाना आप पसंद करोगे, और लोगों को एक बार हैरानी होगी इनके खाने में इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं, आपको भी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ये पहले आपके खाने पीने की आदतों को लेकर, फिर आपके बोलने के तरीकों को लेकर, आपके समझने के तरीकों को लेकर, है ना, आपका लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीकों को लेकर, हर एक चीज में जैसे जैसे आपकी एनर्जी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें स्तर तक पहुंचेगी ना, चक्रास तक पहुंचेगी ना, वैसे आप में बदलाव आएंगे गाइस। मतलब जैसे जिस चक्रा पर आपकी एनर्जी होगी ना, उससे संबंधित आपके कलर पर आपका फोकस बहुत ज्यादा जाएगा। अभी देखो इन दिनों में आपको कौन सा कलर जो है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या वो बहुत ज्यादा दिख रहा है, और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उस चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो, है ना। तो ये चीज़ है, ये क्या करेगी कि आपको एक तरीका मिल जाएगा गाइस,
एक गाइडेंस मिल जाएगी, है ना, कि मुझे किस चक्र पर मेहनत करनी है ना। मैं पर्सनली बताऊं तो हो सके ना गाइस, तो कपालभाति और अनुलोम विलोम ये किया करो, ये बेस्ट है आपके एनर्जी को डेवलप कराने के लिए। और मैं फिर से कह दूं, जबरदस्ती की कुंडलिनी को अवेकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपको अपने आप महसूस हो जाता है, ठीक है। एंजल्स नंबर दिखना स्टार्ट हो जाता है, आपको नहीं दिखते कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं करना है ना। क्योंकि अगर आप खुद नहीं करने की कोशिश करोगे, मतलब आप अगर आपकी कुंडलिनी का अभिकर्ण होना लिखा हुआ है, डेस्टिनी ने अगर सोचा है, और अगर आप नहीं भी करोगे ना, तब भी परिस्थितियां बनकर कुंडलिनी अवेकन हो जाती है, हमारे चक्रास बैलेंस में आ जाते हैं, घटनाएं हमारी लाइफ में ऐसी घटित होती है ना। तो जबरदस्ती का काम कुछ भी नहीं करना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना। तो जो भी आपकी लाइफ का पाथ है, रास्ता है, उसे उसका चयन कराने में डेस्टिनी आपकी मदद करेगी, यूनिवर्स आपका आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आसपास की परिस्थितियों पर को अपने पर हावी मत होने देना। अगर कोई आपको कुछ गलत कहता है तो, या आपके साथ जस्टिस भी नहीं हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है आपके साथ, जैसा ये कार्ड भी कहता है कि कुछ अन्याय जैसा होना, या कुछ जैसा ये वाला और ये वाला कार्ड कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में ऐसा आना, तो मैंने कहा गाइस कि इन चीज़ों को अभी कहते हैं ना कि ये समझो कि ये बस मेरी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हुआ है, ठीक है ना। इनको फर्गिव करो, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इनको फर्गिव करो। फर्गिव करने से क्या होगा पता है, कि आपके मन में एक हल्कापन आ जाएगा, है ना। आप डेस्टिनी पर बिलीव रखो, इनके बारे में जिन्होंने भी आपकी लाइफ में कुछ भी गलत किया उनके बारे में मत सोचना, उनको फर्गिव करके एक हल्कापन लेकर आ जाओ, और फिर मेडिटेशन करो। अगर कोई मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो ना, तो वो भी करो, आपके बहुत सफलता मिलेगी गाइस, है ना। आपको किस राह को चुनना है, किस ओर बढ़ना है, अपने आप डेस्टिनी आपको क्लियर गाइडेंस देती है मैसेज के द्वारा। अब कैसे वो आपको समझना पड़ता है गाइस, है ना। जैसे मैंने कहा एंजल्स नंबर का दिखना, फेदर्स का दिखना, कई बार क्या होता है हम अपने मन में कोई सवाल लेकर बैठे हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और उस मुद्दे को लेकर नेगेटिव थिंक आती रहती है, दिमाग में आती रहती है, और उसी दौरान हमें नंबर 3-3 का नजर आ जाना, ठीक है, या फिर तीन पक्षी नजर आ जाना, यानी तीन की संख्या नजर आना। तो वो उस टाइम क्या कहते हैं पता है, कि इस मैटर को लेकर, यूनिवर्स समय क्या कहते हैं या एंजल समय क्या कहते हैं, कि इस मैटर को लेकर आपको बिल्कुल नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है, इसमें सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये चीजें क्या है कि अगर हमें पहले से गाइडेंस मिली हुई होती है ना, तो हमारे के लिए कुछ भी आसान हो जाता है। जैसे हमारे दिमाग में दो रास्ते, मैं समझा रही हूँ कि एंजल्स नंबर हमें किस तरीके से गाइड करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। जैसे हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, ठीक है, हमें चूज करना है कि हमें किस ओर जाना है, या किसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, या इस अपॉर्चुनिटी को चुनना है, या इस अपॉर्चुनिटी को चुनना है, तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक। तो देखो, अगर हम सही पाथ पर होंगे ना, तो हमें नंबर 2-2 यही नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप बिल्कुल सही राह पर हो, आपको दुविधा नहीं रखनी है, ठीक है। और अगर हम कोई गलत रास्ता चयन करेंगे ना, तो हम जिस भी बात को लेकर थोड़े नेगेटिव होते हैं, या हमें जिस बात से कोई नेगेटिव साइन मिलता है ना, वो साइन हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये कहता है ना कि रेड अलर्ट करके हमें रोका जाता है, या बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, कुछ ना कुछ गलत होता है, ठीक है, या जबरदस्ती से उस जगह से हमें हटाकर वापस से सही रास्ते पर लाया जाता है ना। बट हम सही रास्ता जो एंजल्स हमें नंबर दे रहे हैं, उससे भी हम समझ लें, तो हमारे कहते हैं ना कि समय का बर्बाद ना होना, है ना, थोड़ा स्ट्रेस का लेवल कम रहना लाइफ में, और संघर्ष नहीं होना, तो ये चीजें बन सकती है, इसकी संभावनाएं होती है गाइस, है ना। तो ये चीजों को हमें समझना पड़ता है, ठीक है ना जी। होप इस रीडिंग के जरिए आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। इनको समझने की कोशिश करना, एक बार समझ में नहीं आए तो फिर से इसको देखना, समझना, ठीक है, और अपने चक्रास को बैलेंस में लेकर आना, और अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, गुस्से को शांत रखना, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे, और मालिक ने जिस काम के लिए धरती पर भेजा है, बहुत अच्छी तरीके से आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाओगे, ठीक है ना। आपकी अपनी ही एनर्जी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।